Hey everyone, क्या आप यूनिवर्स के फाइव एलिमेंट्स के बारे में जानते हो? ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। वेल, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यूनिवर्स के फाइव एलिमेंट्स है वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल। मेटल को कई लोग स्पेस से भी प्रेजेंट करते। इसे कई लोग पांच महाभूत भी कहते, और जिसने भी इन एलिमेंट्स को डीपली समझ लिया उसे फिर नेचर के लॉस की समझ हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, चाइनीज एंशिएंट में हमारे फेस को भी इन फाइव एलिमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशंस को और भी अच्छे से समझने के लिए। बेसिकली जो एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे ही पर्टिकुलर फेस पार्ट के फीचर्स को कनेक्ट किया गया है, और जिसे पढ़ के किसी की भी पर्सनैलिटी और हिडन इमोशन को पढ़ना आसान हो जाता है। अब जो फायर और वुड वाला एलिमेंट है वो बेसिकली कनेक्टेड है हमारी आईज से, और उससे रिलेटेड जो भी जेस्चर और सिग्नल है वो मैंने एकदम डीपली अपने इस वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। अब अगर आज के वीडियो की बात करूं तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के तीन एलिमेंट्स वाटर, अर्थ और मेटल के जेस्चर और सिग्नल डिस्कस करेंगे। इसलिए फेस रीडिंग की इस यूनिक टेक्निक को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले बात करेंगे वाटर फीचर्स के बारे में, जिसमें आते हैं ईयर्स, अपर फोरहेड, फिल्ट्रम और चिन। तो पहले बात करते हैं ईयर्स के बारे में। पहला है लार्ज ईयर्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसके भी कान बड़े होते हैं उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहीं जिनके कान छोटे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट और केयरफुल रहते हैं। जिनके कान फेस से टच होते कुछ इस तरह से, उनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब वो एक टाइम पे एक से ज्यादा कन्वर्सेशन सुन सकते। वहीं जिनके कान ऐसे बाहर होते फेस से थोड़ा दूर, उनका नेचर स्टबबोन टाइप होता है और वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं फोरहेड के बारे में। जिन लोगों का फोरहेड ऐसा राउंड होता है उनका इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिन लोगों का स्ट्रेट होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पसंद करते हैं, और जिन लोगों का ऐसा थोड़ा स्लैंटेड रहता है कुछ इस तरह से, उनके अंदर नेगोशिएटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं फिल्ट्रम के बारे में, जो नाक के और मुंह के बीच के इस वाले स्पेस को बोलते हैं। अब जिसके फिल्ट्रम वाइड होते हैं या इवन डीप होते हैं कुछ इस तरह से, तो ये दोनों टाइप के लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। लास्टली अब बात करते हैं चिन के बारे में। देखो, जिन लोगों की चिन एकदम स्ट्रांग स्किन से चिपकी हुई होती है ना, वो नेचर वाइज स्टबबोन होते हैं विद अ स्ट्रांग विल पावर। चिन के तीन अलग शेप भी होते हैं, स्क्वायर चिन, राउंड चिन और पॉइंटेड चिन। अब जो स्क्वायर चिन वाले लोग होते हैं वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो राउंड चिन वाले लोग होते हैं उनका नेचर डिप्लोमेटिक टाइप होता है। वहीं जो पॉइंटेड चिन वाले लोग होते हैं उनके लिए इस बुक में ऐसा कहा गया है कि वो अपनी लाइफ को लेके पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं होते। वेल, तो अब बात करते हैं अर्थ वाले एलिमेंट के फीचर्स के बारे में, जिसमें स्पेशली आते हैं माउथ और लिप्स। पहले बात करते हैं माउथ के बारे में, जिसमें पहला है लार्ज माउथ। वेल, इस टाइप के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी होती है। वहीं जिनका माउथ साइज स्मॉल होता है तो उनकी एनर्जी भी लो होती है और उनसे कोऑर्डिनेट करना उतना आसान नहीं होता है। वहीं जिनके माउथ छोटे होते हैं लेकिन लिप्स फुल होती है कुछ इस तरह से, उनके इमोशन बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो उसे इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं। जिनकी लिप्स थोड़ी कॉम्प्रेस होती है कुछ इस तरह से, वो बहुत ही रिजर्व टाइप पर्सन होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके। जिनके अपर लिप्स लोअर के कंपेयर बड़े होते हैं वो अपने फीलिंग्स को लेके बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं। वहीं जिनके लोअर लिप्स स्ट्रांग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फूडी होते हैं और उन्हें ब्यूटीफुल सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। अब लास्ट बात करते हैं मेटल एलिमेंट के फीचर के बारे में, जिसमें स्पेशली आती है हमारी नोस। अब जिन लोगों की नाक लंबी होती है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वही जिनकी नाक छोटी होती है वो लोग बहुत ही ज्यादा जॉली टाइप होते हैं, जिन्हें लाइफ में फन और एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है। जिनकी नाक थोड़ी ऐसी कर्वी टाइप होती है वो हर चीज को नए और डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते। वहीं जिनकी नाक फ्लैट होती है
वो बहुत ही ज्यादा कॉपरेटिव होते हैं। जिनकी नोज बोन स्ट्रांगली दिखती है वो मेहनत तो करते लेकिन पैसों के लिए कम, किसी पर्पस के लिए ज्यादा करते। जिनकी नाक बहुत ही ज्यादा नैरो होती है उनकी फिजिकल एनर्जी बहुत लो होती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बहुत कम अमाउंट में पैसे कमाते। अच्छा, नॉस्ट्रिल से रिलेटेड ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चाइनीज एंशन में कहा जाता है कि जिनकी नॉस्ट्रिल्स बड़ी होती है वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर देते, वहीं जिनकी नॉस्ट्रिल्स छोटी होती है वो पैसे स्पेंड करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचते। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे फेस शेप और जेस्चर और उनके पीछे का मतलब बेस्ड ऑन वाटर, अर्थ और मेटल एलिमेंट्स, जो मैंने आपको फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन बुक से बताया। अब अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी ये एलिमेंट वाइज फेस रीडिंग सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोगों के चेहरे पढ़ लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।